हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, बेसन की कतली की सब्ज़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। अगर आपके पास कोई सब्ज़ी ना हो तो आप इसे झटपट बना सकते हैं, ये जल्दी बन ही जाती है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैंने यहाँ पे उसकी लिस्ट दे दी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की ओर। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हम सबसे पहले कतली बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रखी है, उसमें तेल डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है। अब इसमें मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है 1 बाउल से। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। नमक के साथ हम यहाँ पे हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे इसी पानी में और लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर डालने के बाद हम थोड़ा सा इसमें अजवाइन डालेंगे, अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे कर देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ और इसमें बॉयल आ जाए। एक बॉयल आने तक इसमें हम वेट करेंगे। हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि पानी, तेल और सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अब इसमें बॉईल आता है तब तक हम यहाँ पे एक प्लेट ले लेंगे, उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 बाउल बेसन लिया है, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए अभी बॉईल नहीं आया है, हमें इसे चलाते हुए मिक्स कर देना है। अब आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आ चुका है। अब इसे 1 मिनट खाली हम थोड़ा सा उबलने देंगे। देखिए तो ये हो चुका है। अब इसमें हम बेसन डालेंगे। इस बात का ध्यान रखें जब बेसन डालें तो फ्लेम एकदम स्लो कर दें और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें अच्छे से चलाते हुए, ताकि बेसन अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और नीचे लगे भी नहीं। अब हम इसे स्लो फ्लेम पे ऐसे ही थोड़ी देर चलाते हुए पका लेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे कर रही हूँ चलाते हुए, ताकि ये नीचे लगे नहीं और ये थोड़ा थिक हो जाएगा थोड़ी देर में पक के। हमें इसे ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहना है। आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे कर रही हूँ। इसे हमें इस बात का ध्यान रखें एकदम स्लो फ्लेम पे ही ऐसे करते चलाते हुए करते रहना है। देखिए तो अब ये ठीक हो चुका, आप देख सकते हैं एकदम। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें मैंने ऑयल से ग्रीस किया हुआ था। आप देख सकते हैं मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हमें अच्छी तरीके से शेप में लाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, 1 चम्मच पे तेल लगा के इस तरीके से आप थोड़ा सा कर सकते हैं चपटा, या तो फिर आप थोड़ा सा 1 कटोरी में पानी लें और हाथ में पानी लगा के इसे ऐसे प्रेस करते हुए गोल या अच्छे से कोई शेप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे कर रही हूँ ऐसे इस तरीके से। और इस बात का ध्यान रखें इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है एकदम। देखिए तो ये हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे हम रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ये अब अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद इसे हम कट कर देंगे और तवे पर शैलो फ्राई करेंगे। जब तक कतली ठंडी होती है तब तक हम यहाँ पर ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल। आप कोई और ऑयल ले सकते हैं कढ़ाई में। अब इस ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। देखिए तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे, जीरा को थोड़ी देर भुनने देंगे इसमें तेल में। जीरा भुन चुका है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और ये पेस्ट डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरीके से भून लेना है थोड़ा तेल में। 1 से 2 मिनट इसको लगेंगे भुनने में ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसका सारा टेस्ट और फ्लेवर तेल में आ जाए और ये अच्छी तरीके से भुन जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम प्याज का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज का पेस्ट बनाकर डाला है। अब इसे हम लहसुन अदरक के पेस्ट में प्याज का जो पेस्ट है हम उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से भून जाए और थोड़ा इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना है।
तो आप देख सकते हैं कि ये हो चुका है। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया, जीरा पाउडर, सारी चीज़ें हम इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, और इसे हमें पकाना है जब तक कि ये सारे मसाले अच्छी तरीके से भून जाएँ और तेल ना छोड़ दें। अब आप देख सकते हैं कि मसालों ने तेल छोड़ दिया है साइड में, आप देख सकते हैं ये हो चुका है अच्छी तरीके से। अब इसमें हम टमाटर की जो है प्यूरी डाल देंगे इसमें। यहाँ पे मैंने टमाटर का प्यूरी पेस्ट बनाया है, प्यूरी वो हम डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए अच्छे से। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए फिर से भून लेना है ताकि मसाले अच्छे से पक जाएँ और रेडी हो जाएँ। जब तक कि ये हो रहा है हम देख लेते हैं अपनी कतली को। देखिए तो यहाँ कतली मैंने इसे कट कर ली है, आप देख सकते हैं। इसे मैंने ज़्यादा पतला नहीं किया है, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। इसे मैंने इस तरीके की शेप में कट कर लिया, आप अपने मनपसंद के शेप में कट कर सकते हैं। कतली को हम शैलो फ्राई करेंगे। जब तक कि ये मसाला हो रहा है इसे स्लो फ्लेम पर हम ढक के पका लेते हैं 2 मिनट के लिए। शैलो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तवा जो है लोहे का उसे गैस पे रख दिया है। उसमें अब हम ऑयल डाल देंगे। मैं यहाँ पे ऑयल डाल दूँगी, देख सकते हैं आप, 2 से 3 चम्मच आप ऑयल डाल दें। ये लोहे का तवा है इसलिए थोड़ा सा ऑयल लग रहा है, आप नॉनस्टिक पे ही कर सकते हैं पर नॉनस्टिक पे उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है क्योंकि हमें उसमें थोड़ा सा क्रिस्पीनेस उसकी लेयर में चाहिए, इसलिए मैं इसे तवे पर कर रही हूँ। अब इसे हम ऐसे रख देंगे। आप अगर इसे शैलो फ्राई नहीं करना चाहते हो तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा ही आता है। इस तरह हम एक एक करके सारी कतलियाँ तवे पे रख देंगे शैलो फ्राई होने के लिए। देखिए तो मैंने सारी कतलियाँ रख दी हैं। अब इसे हमें एक साइड ब्राउन हो जाए तब तक के लिए करना है, फिर इसे पलट देंगे। तो देखिए हमारा मसाला भी तैयार हो गया, आप देख सकते हैं ये ऑयल छोड़ चुका है, अच्छी तरीके से हो गया है। इसे हम फिर से एक बार के लिए चला देते हैं। तो ये हो चुका है मसाला, इसे मैंने फिर से एक बार चला दिया है ताकि ये नीचे लगे नहीं। और इसमें अब हम पानी डालेंगे। पानी आप जूस जैसा रखना चाहे उतना डाल सकते हैं, पतला करना चाहे तो ज़्यादा पानी डालें, कम थिक रखना चाहे तो कम पानी डालें। यहाँ पर मैं 1 गिलास और 1/2 गिलास से थोड़ा सा कम पानी डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। अभी इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। इसमें मैंने पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढक के बॉईल आने तक इसे होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए अब देख लेते हैं कतली हुई कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें ब्राउन कलर और क्रिस्पीनेस चाहिए कतली में। अभी एक तरफ से हो गई है, हम सारी कतलियाँ ऐसे ही टर्न कर लेते हैं ताकि ये दूसरी तरफ से भी हो जाए। तो इसे ऐसे ही चाकू की मदद से हम सारी कतलियाँ पलट लेंगे ताकि ये दूसरी ओर से भी ऐसे ही क्रिस्प और ब्राउन हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें भी बॉइल आ चुका है। अब ये हमारी कतलियाँ भी रेडी है, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से क्रिस्प ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब इसमें हम इस कतलियों को ऐड कर देंगे। बॉईल आ चुका है, बॉईल आने के 1 मिनट बाद इसमें हम ऐड कर देंगे सारी कतलियाँ। अब इसे हम स्लो कर देंगे पहले गैस को और फिर सारी कतलियाँ इसमें ऐड कर देंगे। देखिए तो मैंने इसे इसमें ऐड कर दी। अब इसे एक बार के लिए हम चला देंगे, मिक्स कर लें ताकि सारी कतलियाँ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे चलाने के बाद हम फिर से इसे ढक के 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे ताकि ये हो जाए अच्छी तरीके से और इसका जो ग्रेवी है वो भी थोड़ी सी थिक हो जाए। देखिए तो 2 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरीके से हो गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और कितना अच्छा कलर आया है। और ये सब्ज़ी भी हो गई है और इसका जो ग्रेवी है वो भी थिक हो गया। अब लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा धनिया का पत्ता ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये भी इसमें मिक्स हो जाए
और ये हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो देखा आपने इस बेसन की कतली की सब्ज़ी बनाना कितना आसान है, और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है, झटपट बन भी जाती है। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।